नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मेरे पास है एक ज़बरदस्त नया केस। ऐसे केस मेरे पास पहले दो चार बार आए हैं लेकिन यूट्यूब चैनल बनाने से पहले। तो देखिए क्या हुआ दोस्तों, ये जो इसका फिल्टर बॉक्स है यहाँ पर काफ़ी पेट्रोल इकट्ठा हो गया। तो ऐसा कब होता है, जब बाइक बैक मारने लगती है या ओवर हो जाती है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी पेट्रोल आ जाता है। तो देखिए मैं इसका एल्बो यहाँ पर निकाल कर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर भी काफ़ी पेट्रोल आ गया है। तो दोस्तों ऐसे में आप सोच रहे होंगे, तो ऐसे तो जब बाइक ओवर हो जाती है तब ही यहाँ पर पेट्रोल आ जाता है, वो ठीक है दोस्तों। लेकिन जो नीचे इसमें एक होल दिया गया है ओवरफ्लो का, वहाँ से पेट्रोल को निकलना चाहिए। चलो अगर किसी कारणवश वहाँ से पेट्रोल नहीं निकला, ये पीछे भी चले गया और आगे हेड में भी चले गया, तो तब भी बाइक काफ़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी। तो दोस्तों ये केस तकरीबन कभी कभार आता है, बहुत कम। ये केस मेरे पास शायद ये तीसरा या चौथा केस तकरीबन होगा अब तक, तो ऐसे केस बहुत कम आते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, जो इसमें पॉइंट है वो आपको कुछ ना कुछ इसमें सिखा कर ही जाएगा। और ये जो दोस्तों इसका पेट्रोल है, ये बाइक मेन में लगी थी, एक लीटर के आसपास इसमें जो तेल था वो मेन के चलते निकल गया। तो अब देखिए इसमें मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। ये इसका प्लग है, बार बार की मारने से ही शॉर्ट हो गया, तो मैंने इसमें नया प्लग चेंज किया। ये माइक बोस का प्लग है, तब भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो अब देखिए दोस्तों इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो भाई जैसे ही मैं इसके पेट्रोल टैप को ऑन करता हूँ, तो देखिए आप यहाँ पर कुछ नया देखेंगे। देखिए ये जो इसका होल है, यहाँ से आपको पेट्रोल निकलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा दोस्तों 99% बहुत कम होता है जब कभी ऐसा पेट्रोल यहाँ से निकलने की कोई वजह होती है। और इसके दोस्तों वजह भी होती है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके कार्बोरेटर को ओपन कर लेता हूँ। सो भाई ये जो बाइक है एक डॉक्टर साहब की है, वो ज़्यादातर सेवा में बिजी रहते हैं और अपने खेतों में भी जाते रहते हैं, तो जिसके चलते इसकी दोस्तों टाइम पर सर्विस नहीं होती। तो भाई मैं इस बाइक को शाम को दे के गया था, मैंने इसमें प्लग भी डाला लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। इसमें करंट कुंट सब कुछ ओके था, कंप्रेसर भी पूरा बना रही थी बाइक, लेकिन बाइक तब भी स्टार्ट नहीं हुई। तो दोस्तों चलो मैं शाम ज़्यादा हो गई थी, जिसके चलते मैं अब सुबह आया हूँ सामान लेकर दुकान से। अब मैंने इसको ओपन किया है, वो देखिए मैंने इसे कार्बोरेटर को ओपन किया और जिससे पेट्रोल निकलेगा वो मैं इसको पेट्रोल टैंक में डाल देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर से पेट्रोल जो है कार्बोरेटर से, जो इसका एक वैक्यूम टैप होता है, जिसको हम यहाँ पर एक गैस निकलती है यहाँ से, ये जो होल होता है उसको भी ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये पेट्रोल नहीं निकला। अब यही इसका मेन पॉइंट है दोस्तों, यही इसका एक मेन रीज़न है। अब देखिए खेतों में बाइक चलती है तो जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी धूल मिट्टी जम जाती है, और यहाँ पर एक जो पाइप लगा होता है दोस्तों वो भी इसमें नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी डस्ट जम गई है। और ये जो इसका होल है ये काफ़ी, जिसके चलते ये बंद हो गया है। अब दोस्तों यहीं से ही इसकी मेन शुरुआत हुई है, जिसमें यहाँ से इसको प्रॉब्लम की मेन जड़ है। अब देखिए मैंने इसका कार्बोरेटर को ओपन किया और आप देख सकते हैं ये जो इसका वैक्यूम टैप होल है ये काफ़ी धूल मिट्टी से भर गया है, और जिसके चलते दोस्तों ये जो बाइक है इसके अंदर गैस होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मामूली सुराख नहीं होता, अगर हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर गैस बनने लगती है। ठीक वैसे जैसे आपने अपने घरों में लैट्रिन का खड्डा देखा होगा दोस्तों, उसमें एक पाइप ओवरफ्लो के लिए होता है, जैसे उससे पानी निकलता है, और जो एक पाइप होता है उसमें खड़े वाला, उससे दोस्तों इसकी गैस निकाली जाती है। जी हाँ दोस्तों, सेम ये कार्बोरेटर भी वैसे ही काम करता है। तो पहले मैं इसके जो होल में मिट्टी भरी है उसे इससे इंजेक्शन से साफ़ कर लेता हूँ। ये मुझे डॉक्टर साहब ने दिया है, क्योंकि मेरे पास कुछ और यहाँ पर था नहीं, तो उन्होंने मेरे को ये नीडल दे दी जिससे आप इससे काम चला सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं इससे काम चला लेता हूँ, और इससे इसके जो होल को मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ जिससे इसका जो सुराग है वो खुल जाए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे केस तो मेरे पास ये तीन या चार बार आ चुके हैं, तो क्या आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा केस आया है? अगर आया है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। सो भाई मैंने इसके कार्बोरेटर और फिल्टर को ओपन कर लिया है,
अब मेरे पास ब्रश तो नहीं था, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा आप मुझे एक टूथ ब्रश दे दो, मैं उससे ही इसका काम चला लूँगा। तो मैं अब इससे इसकी सफाई कर लेता हूँ। और दोस्तों ये जो ब्रश होता है दांतों वाला, मैं इसका सर्विस में इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये जो है देखिए कार्बोरेटर के अंदर जाकर पूरी तरह से इसके अंदर से सफाई कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई और दूसरा ब्रश नहीं जा सकता। तो मैं इसका ही ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ अंदर से इस कार्बोरेटर को साफ़ करने के लिए। तो चलिए भाई, अब मैंने इसके कार्बोरेटर फिल्टर की साफ़ सफाई कर ली है, अब मैं इसको फिटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो यहाँ पर इसका होल है, यहाँ पर काफ़ी डस्ट जमी है, ये साफ़ तो नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो पाइप लगा होता है वो इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आप जानते हैं कि इसके चलते इस बाइक में क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो भाई आप जैसे जानते हैं आजकल गर्म दिन है, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गैस बनती है फ्यूल टैंक में भी और कार्बोरेटर में भी, तो जिसके चलते यहाँ पर इसकी जो गैस है वो बाहर नहीं निकल सकी, और जिससे क्या हुआ दोस्तों ये पेट्रोल है वो बैक मारने लग गया, और जिससे जैसे हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो वो बैक तो मारेगा ही, तो बैक मारने के चक्कर में पेट्रोल भी काफ़ी वेस्ट हुआ और आगे हेड में भी चले गया, जिससे प्लग भी इसका शॉर्ट हो गया। तो दोस्तों ये थी इसमें एक मेन जानकारी जो मैंने आप तक इसको शेयर करना था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर मेरे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।